नमस्कार दोस्तों। अभी अभी बादल फट गया, मौके पर लोगों की मौत हो गई, गाड़ियां बह गई, घर खत्म हो गए, पूरे पूरे गांव में तबाही मच गई, बाढ़ जैसे हालात हो गए। जी हां, अभी 2 मिनट पहले बादल फटा है। जी हां साथियों, आपको बता दें कि खतरे के निशान के करीब है गंगा। अभी की बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में कायस गाँव में सोमवार सुबह बादल फट गया, जिसमें एक की मौत हो गई, 3 घायल हो गए, 2 गाड़ियाँ पानी में बह गई। दिल्ली में यमुना का वाटर लेवल भी घट रहा है, वहीं उत्तराखंड और यूपी के कई जिलों में गंगा नदी जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। रविवार को हरिद्वार में गंगा का जलस्तर 293.15 मीटर रिकॉर्ड किया गया है, जबकि खतरे का निशान 294 मीटर है। नदी के सटे हुए इलाके को अलर्ट जारी कर दिया गया है। देवप्रयाग में गंगा नदी 20 मीटर और ऋषिकेश पहुंचते पहुंचते 10 सेमी बढ़ गई है। वाराणसी और प्रयागराज में घाट डूबने लगे हैं, कुछ छोटे मंदिरों में पहले पानी भर चुका है। जी हां दोस्तों, अभी अभी हिमाचल प्रदेश में बादल फटा है। देवप्रयाग में वाटर लेवल 20 मीटर बढ़ गया। हरिद्वार में खतरे के निशान पर गंगा, 9 गाड़ियां बही, 1 की हो गई मौत।